फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ अपना गार्डन। वैसे ये एक प्लॉट है हमारे रिलेटिव का, तो इसमें ही पापा ने कुछ चीज़ें लगा रखी है, कुछ सब्जियाँ लगा रखी है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। कि मेरे हेयर्स बहुत लंबे हैं, अभी मैंने आज बाल धुले। तो देखिए, आपको अगर इस तरीके के लंबे हेयर्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको टिप्स दूंगी फिर। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है। ये यहाँ पे टमाटर लगा हुआ है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे लगा है बैंगन, बैंगन का छोटा छोटा पेड़ है ये देखिए। और ये बैंगन लगे हुए हैं यहाँ पे, बैंगन यहाँ इसमें का मैंने खाया भी था आने के बाद। और देखिए यहाँ पे भिंडी लगी हुई है, आप लोग को दिख रही होगी, ये छोटी छोटी सी भिंडी निकली है, देखिए कितनी प्यारी लग रही है। तो पापा ने यहाँ भिंडी भी लगाई है। ये हरी मिर्च है, हरी मिर्च लगी हुई है देखिए यहाँ पे। ये हरी मिर्च का पौधा है। तो फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ती हूँ। यहाँ पे ये मेहंदी का पेड़ है, इससे ही मेहंदी निकाल के कभी कभी मैं बालों में भी लगा लेती हूँ। और पापा ने केले लगाए हैं, ये केले का पेड़ है। अभी धूप बहुत ज़्यादा लग रही है इसलिए थोड़ा ये सूख गया है। और ये छोटा सा प्लांट है, इसको लाल फूल जो कहते हैं, अड़हुल का फूल, वही है। इसे बालों में भी लगाते हैं इस फूल को। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे लगी है लौकी, इसकी बेल ऊपर जाने के लिए रेडी हो गई है देखिए। यहाँ पे टमाटर देखिए कितने प्यारे लगे हैं। अभी टमाटर ग्रीन ग्रीन है इसलिए अभी पके नहीं हैं, इनको दो चार दिन लगेगा पकने में। यहाँ पे भी देखिए छोटे छोटे टमाटर लगे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये हमारी लगी है प्याज। यहाँ पे भी पापा ने हरी मिर्ची लगाई है, छोटी छोटी क्यारियाँ लगी है हरी मिर्चों की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी प्याज लगी है। फ्रेंड्स, अब देख रहे हैं ये प्याज कितने बड़े बड़े हो गए हैं। इतना अच्छा लग रहा है ना प्याज, निकालने पे बहुत अच्छे बड़े बड़े प्याज हो चुके होंगे अब तो। यहाँ पे एक प्याज बाहर की तरफ भी निकल रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा कितना बड़ा लग रहा है वो प्याज। और ये है आम का पेड़, जो एक पौधा लगाया है। ये पपीता लगा हुआ है छोटा सा, और इसके बीच में लगी है तोरी। ये करेले का पौधा है, वो करेला भी यहाँ लगा है। यहाँ एक छोटा सा अमरूद का भी पौधा है देखिए। तो यहाँ पे काफ़ी सारे प्लांट्स लगे हुए हैं, मैं तो खुद ही बहुत दिनों बाद आई हूँ तो मुझे पता नहीं था यहाँ पे क्या क्या लगा है। तो अभी मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर दूँ। और ये है पोई का पत्ता, इसको पोई का पत्ता कहते हैं देखिए। ये पोई का जो पत्ता है, इसके पकौड़े बहुत अच्छे बनते हैं, आप देख रहे हैं इसकी बेल भी ऊपर चढ़ रही है। फ्रेंड्स, अभी मैं यहीं पे बैठ गई हूँ गार्डन में, यहाँ पे बैठ के काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, एकदम सुकून मिल रहा है, शांति मिल रही है। ऐसी जगह सबके पास होनी चाहिए जहाँ पे वो जाके आराम से बैठ सके और थोड़ी देर अपने आप को भी इंजॉय कर सके। यहाँ पे बैठ के दोस्तों मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। काफ़ी चिड़ियों की आवाज़ सुनाई दे रही है मुझे, और
यहाँ आसपास तितलियाँ उड़ रही है मेरे आसपास, तो उन्हें देख के भी बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग को भी सुनाई दे रहा होगा ना, धीरे धीरे से आवाज आ रही होगी आप लोग को भी। तो फ्रेंड्स, ये दोपहर का टाइम है और मैंने आपको दिखाया कि इस गार्डन में क्या क्या लगा है। बिल्कुल शांति है यहाँ पे। यहाँ इतना अच्छा लग रहा है मुझे कि मुझे गांव की याद आ रही है। गांव में भी हम जाते थे गर्मी की छुट्टियों में, तो गर्मी की छुट्टियों में जाते थे तो वहाँ पे हमारे जो बाबा थे, दादी थी, सब लोग गर्मियों में ऐसे बैठे रहते थे द्वार पे। द्वार मतलब घर के बाहर को द्वार कहते हैं, तो वहीं पे लोग बैठे रहते थे और चौकी लगी रहेगी, पेड़ रहेगा बहुत सारा, तो इतनी अच्छी हवा आती थी दोपहर के टाइम पे भी। वहाँ बहुत अच्छा लगता था, सुकून मिलता था। वैसे ही मुझे अभी लग रहा है, मैं खुद गार्डन में ज़्यादा नहीं आती, बहुत कम आती हूँ, पर आज आई हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा गार्डन सबके पास हो तो कितना अच्छा लगे। पर वैसे ही किसी का प्लॉट है तो एक दिन यहाँ पे घर बन जाएगा, तो जब तक अभी मेरे पास है ये, तब तक तो मैं इसको एंजॉय कर सकती हूँ। बाद में यहाँ घर बन जाने के बाद तो हमें छत पे ही कुछ चीज़ें लगानी पड़ेंगी, पर इन सब चीज़ों को देख के ऐसा लगता है कि काश ये प्लॉट मेरा ही होता। चलिए कोई बात नहीं, अभी तो बहुत लंबा समय है, फिर मैं और भी प्लांटेशंस कर लूँगी। अभी तो ये सब मेरे ससुर जी ने लगाया है, इसमें से मैंने कुछ लगाया नहीं है। बस मैं यहाँ पे आपको दिखाने आया हूँ कि यहाँ पे क्या क्या लगा हुआ है। यहाँ बैठ के भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप लोग को ये गार्डन कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे तो वीडियोस मेरे आप लोग देख रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग मेरे वीडियोस को काफ़ी लाइक कर रहे हो और पसंद कर रहे हो, तो इसी तरीके से अपना प्यार मेरे ऊपर बनाए रखिए और मैं ऐसे ही आप लोग को अच्छे अच्छे वीडियोस देती रहूं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ बैठ के मुझे, मैंने भी बहुत इन्जॉय किया है बैठने के बाद। वैसे तो हर रोज़ सुबह मैं यहाँ पे अपने छत पे से देखती हूँ गार्डन में, पर आ नहीं पाती हूँ, बहुत कम टाइम मिलता है, क्योंकि मेरा बेबी भी छोटा है और बड़ा वाला भी बेटा है, उसको भी देखना पड़ता है, तो टाइम उतना नहीं मिल पाता है कि मैं यहाँ पे आऊँ। और ब्लॉग बनाने के चक्कर में मैं यहाँ पे आई भी हूँ, सिर्फ आप लोग की वजह से मैं यहाँ आई हूँ, ताकि आप लोग को मैं अपना गार्डन दिखा सकूँ। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगा गार्डन का। तो चलिए अब चलते हैं। अरे हाँ, यहाँ पे एक कड़ी पत्ता भी लगा है, ये तो मैंने दिखाया ही नहीं था। देखिए ये कड़ी पत्ता भी लगा है, तो यहाँ सब कुछ लगा हुआ है जो अभी हम लोग को चाहिए गर्मियों के हिसाब से, जो जो चीज़ें हैं, जो जो सब्जियाँ हैं, वो सब लगी हुई हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं। मेरा गार्डन आप लोग को अच्छा लगा होगा, यहाँ आके मुझे भी खुशी मिली, मैं तो आई नहीं थी बहुत दिनों से, तो यहाँ पे आने के बाद मुझे भी अच्छा लगा आप लोग की वजह से। यहाँ बाहर का व्यू भी देख सकते हैं आप लोग। आप सबको आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब मैं अपने घर चलती हूँ, आप भी अपने घर रहिए और सुरक्षित रहिए। अब मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।